मौसम के बदले मिजाज के बीच दिल्ली एनसीआर में अब झमाझम बारिश की संभावना भी क्षीण पड़ गई है। कुल मिलाकर मानसून हल्की बारिश के साथ विदा होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सप्ताह भर तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बारिश की संभावना तो बनी रहेगी, लेकिन छिटपुट। अलबत्ता गर्मी के तेवर थोड़ा नरम ही रहने के आसार हैं। राहत की बात यह भी है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी सामान्य स्तर से अधिक नहीं जाएगा। मौसम विभाग का ताज़ा पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी दिन भर दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इससे पहले बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हुई थी तो कुछ जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी। ऐसे में ऐसी ही स्थिति शुक्रवार को भी रह सकती है। उधर स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल मौसमी परिस्थितियां बदल गई हैं। दिल्ली में सप्ताह भर तक तेज बारिश की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मानसून की विदाई अक्टूबर में ही होगी। बृहस्पतिवार को भी सूरज और बादलों के बीच आँख मिचौली तो दिन भर चली, लेकिन बारिश कहीं नहीं हुई। हाँ, बादल छाने पर दिल्ली वासियों को धूप से राहत अवश्य मिल जाती थी। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 33.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 66 से 89% दर्ज किया गया। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को एनसीआर में सभी जगह की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। सफर इंडिया का कहना है कि अभी अगले कई दिन वायु प्रदूषण में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। तो ये था आज के मौसम का हाल। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।